मैं एक विधायक होने के नाते एक सवाल शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगी कि विधायकों द्वारा जनता की समस्याओं को जब आपको बताया जाएगा तो उसके लिए इस कोरोना काल में कितनी बार आपके बंगले पर आना पड़ेगा, और इसके बाद भी क्या ये सुनिश्चित है कि उनके कार्य होंगे या फिर उनके द्वारा दी गई चिट्ठी पत्री को कचरा पात्र में डाल दिया जाएगा। ये बयान कांग्रेस की एक विधायक का है जो उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा। विधायक का नाम है इंदिरा मीणा। इंदिरा मीणा सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा से विधायक हैं। इंदिरा मीणा ने अपनी ही पार्टी और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा, एक बार उसे पूरा देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कैबिनेट की कल एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार उपखंड बोली और बामनवास को पूर्णतः किसान भाइयों के समर्थन में बंद रखा गया। कल बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसको मैंने सुना। उसमें जो विधायकों द्वारा जनता की किस प्रकार सुनवाई करनी है ये सब अध्यक्ष जी बता रहे हैं, लेकिन मैं एक विधायक होने के नाते एक सवाल शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगी कि विधायकों द्वारा जनता की समस्याओं को जब आपको बताया जाएगा तो उसके लिए इस कोरोना काल में कितनी बार आपके बंगले पर आना पड़ेगा, और इसके बाद भी क्या ये सुनिश्चित है कि उनके कार्य होंगे या फिर उनके द्वारा दी गई चिट्ठी पत्री को कचरा पात्र में डाल दिया जाएगा। गहलोत सरकार को 2 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। गहलोत अपने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। मई जून में ही गहलोत सरकार ऐसी बगावत का सामना कर चुके हैं। तब प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले और सत्ता में सहभागी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने 21 समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया था। इसके अलावा भी समय समय पर कई विधायक सरकार को आईना दिखा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के जश्न के रंग में भंग ना पड़ जाए और फिर सरकार बीजेपी को कोसते हुए कहे अंगूर खट्टे हैं।